कल की वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात करी थी डेली कैपिटल्स के ऊपर एंड कैसी हो सकती है उनकी ऑक्शन स्ट्रेटजी। आज की वीडियो के अंदर हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अबाउट द ऑक्शन स्ट्रेटजी ऑफ राजस्थान रॉयल्स, कौन से प्लेस को वापस लेके आए, कौन से प्लेस को यहाँ पर ऑक्शन के अंदर बायबैक कर सकते हैं, कौन से प्लेस इनकी टारगेट हिटलिस्ट के अंदर हो सकते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डूट द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट कमिंग योर वे। राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर ऑक्शन के पहले एक बड़ा अच्छा काम किया, राहुल द्रविड़ को वापस लेकर आए। राहुल द्रविड़ इस टीम का बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहे एज प्लेयर भी एंड एज मैनेजमेंट के अंदर भी राहुल द्रविड़ का बड़ा योगदान है एंड इन्होंने प्रवीण तांबे जैसे लेग स्पिनर्स को आइडेंटिफाई कर उनके टैलेंट को ग्रूम कर राजस्थान रॉयल्स को बड़े अच्छे यहाँ पर नाम प्रोवाइड करके दिए। ओवर द ईयर राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पर फोकस किया कि हम यहाँ पर यंग इंडियन टैलेंट को मौका दें, तो मेरे को लगता है इस ईयर के ऑक्शन के अंदर जितना उनका बजट है उस हिसाब से यहाँ पर यंग इंडियन पेसर्स को और यंग इंडियन स्पिनर्स को यहाँ पर मौका दे सकते हैं एंड अपनी टीम के अंदर शामिल कर एक अच्छी मास्टर क्लास परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। कुमार संगकारा और राहुल द्रविड़ का इस बार का जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी होगा मेरे हिसाब से बहुत सिंपल होने वाले हैं, टू गेट द गुड प्लेयर्स एट गुड प्राइसेस। अगर हम बात करूँ रिटेंशन के ऊपर तो मेरे को यहाँ पर लगता है रिटेंशन में जो जितने भी नाम है छः के छः नाम है वो एकदम डॉट है। संजू सैमसन जिस हिसाब से अभी करेंटली इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं मेरे हिसाब से उनका रिटेंशन बहुत जायज था। यशस्वी जायसवाल ओवर द ईयर्स बहुत अच्छा करते हैं, राजस्थान रॉयल्स के प्रोडक्ट रहे हैं तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का इनको रिटेन करना बहुत जायज था। तीसरे नंबर पर आते हैं रियान पराग। रियान पराग मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटेंशन था क्योंकि रियान पराग का लास्ट ईयर का सीजन भी बड़ा अच्छा गया, बॉलिंग से भी हमें विकेट चटका कर दे रहे, तो एक गुड नेम है अपने नंबर चार पोजीशन पर, यू नो आप उनको खिला सकते हो एंड उनसे आप बॉलिंग में भी एंड बैटिंग के अंदर भी रिजल्ट निकलवा सकते हो। शिमरन एटमैन के चौथे रिटेंशन थे एंड शिमरन एटमैन का जो भाई बैट लास्ट दो साल से राजस्थान रॉयल्स के लिए गरज आया, फाइनल तक उनको जाने में बड़ा अच्छा हेल्प किया था एंड भले फाइनल राजस्थान रॉयल्स हार गई थी बट यहाँ पर शिमरन एटमैन का बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा ओवर द ईयर्स, तो यहाँ पर उनका भी रिटेंशन बहुत जायज था। संदीप शर्मा ने जो पावर प्ले के अंदर इनको विकेट चटका कर दिए लास्ट ईयर बड़े इंप्रेसिव थे, लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स को पावर प्ले के अंदर बहुत हेल्पफुल इन्होंने इनको रहे एंड बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर इनके लिए विकेट चटका कर दी, बॉलिंग बहुत अच्छी यहाँ पर करते हैं। संदीप शर्मा का रिटेंशन भी बहुत जायज था। ध्रुव जुरेल मेरे को यहाँ पर लगता है थोड़ा सा ओवर पेड है क्योंकि ध्रुव जुरेल के ऊपर इतने सारे पैसे देना थोड़ा सा एक अनफेयर हो सकता है। इंस्टेड आप ध्रुव जुरेल को हमें बायबैक कर सकते थे 7-8 करोड़ के अंदर वो आपको वापस मिल सकते थे एंड आपके पास तो फिर एक आरटीएम ऑप्शन भी जो है वो यहाँ पर खाली बच जाता, तो आप उनको आरटीएम भी कर सकते। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बायबैक ऑप्शंस की ओर, तो मेरे को लगता है कि नंबर वन जो उनका बायबैक ऑप्शन है वो है अवेश खान। अवेश खान ने लास्ट ईयर इस टीम की डेथ बॉलिंग के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करके दिया था, विकेट भी चटका रहे थे, साथ ही साथ इकोनॉमी बहुत अच्छी थी अवेश खान की। अवेश खान को यहाँ पर कुमार संगकारा जो है वो मिडल ओवर्स के अंदर लेकर आते थे, एक या दो ओवर उनसे मिडल ओवर के अंदर करवाते थे एंड डेथ ओवर के अंदर उनके जो 2 से 3 ओवर थे बहुत क्लिनिकल थे एंड राजस्थान रॉयल्स ने बहुत हद तक ऑपोजिशन को यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया था विद द लाइक्स ऑफ प्रसिद्ध कृष्णन यू नो मिसिंग आउट ओवरऑल IPL 2024। मेरे को यहाँ पर लगता है जो दूसरा नाम इनकी टीम के अंदर बायबैक हो सकते हैं इनकी यंग सेंसेशन कुलदीप सेन। कुलदीप सेन इनके ओवरऑल एकेडमी के प्रोडक्ट हैं, मेरे को लगता है कुलदीप सेन के ऊपर यहाँ पर ये टीम वापस रिलाई कर सकती है, सस्ते मिल जाएंगे एंड बड़े अच्छे यंग सेंसेशन है, बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, पेस भी बहुत अच्छी है, लाइन एंड लेंथ परफेक्ट है, हालांकि उनके पास स्विंग वाला एलिमेंट नहीं है बट देखिए अगर हम बात करूँ IPL जैसी लीग के अंदर तो यहाँ पर आपका जो लाइन एंड लेंथ सही होना वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है क्योंकि यहाँ पर आपको स्विंग ऑकेशनली मिलती नहीं है एंड जिस हिसाब से कुलदीप सेन यहाँ पर बॉलिंग करते हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा इनको आगे हेल्पफुल कर सकती है क्योंकि यहाँ पर जब ड्यू आती है तो ड्यू के साथ बॉल कंट्रोल करना किसी पेसर के लिए वो बहुत मुश्किल हो जाता है एंड कुलदीप सेन उस एलिमेंट को एस करते हैं कि वो ड्यू कंडीशन के अंदर बॉलिंग बहुत अच्छी करके दे सकते हैं। अगर मैं आपको बात बताऊं और इनके जो 2 से 3 आइडियल बायबैक ऑप्शंस हो सकते हैं एडम जांपा आधा सीजन इनका लास्ट ईयर मिस आउट किए थे ड्यू टू इंजरी बट मेरे को लगता है एडम जांपा को अपनी टीम के अंदर वापस लेकर आ सकते हैं, सस्ते मिल जाएंगे 3-4 करोड़ में बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा एंड इनकी टीम के अंदर एक क्वालिटी लेग स्पिनर आ जाएगा। नंबर 4 जो मेरे को आपका नाम लग सकता है कि इनकी बायबैक हिटलिस्ट के अंदर हो सकते हैं प्रसिद्ध कृष्णन ने इस टीम के लिए यहाँ पर बहुत कम मैचेस खेले बट यहाँ पर एक आइडियल नाम हो सकते हैं, अगर एक टीम को एक आइडियल पेसर की जरूरत है जो इंडियन टीम के लिए भी खेल चुके हैं तो मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णन भी एक बुरे नाम नहीं है, प्रसिद्ध कृष्णन को भी वापस लेकर आ सकते हैं, इसी टीम का पार्ट रहे हैं पिछले 2-3 साल से, परफॉर्मेंसेज भी बहुत डिसेंट रही है, तो मेरे को लगता है प्रसिद्ध कृष्णन भी एक बायबैक ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप बात कर लेते हैं इनके ओवरऑल टारगेट प्लेयर्स के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पर लगता है नंबर 1 जो इनके टारगेट प्लेयर होंगे वहाँ पर होंगे सौरभ नेत्रवलकर। सौरभ नेत्रवलकर का इस ईयर T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा स्पेल्स डाले एंड हेल्प किया USA को सुपर 8 तक जाने के अंदर एंड वहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी दैट वर एब्सोल्युटली क्लासिक एंड मेरे को लगता है सौरभ नेत्रवलकर एक क्वालिटी बायबैक ऑप्शन रहेगा इस टीम के अंदर, 1 से महज 2 करोड़ के अंदर यहाँ पर जो है वो आराम से आ सकते हैं एंड बेस प्राइस में भी यहाँ पर उठा सकते हैं राजस्थान रॉयल्स विद कंसीडरिंग देयर बजट ऑफ 41 करोड़। मेरे को आप लगता है सौरभ नेत्रवलकर एक बहुत अच्छा नाम होने वाला है। नंबर 2 जो मेरे को आप नाम लगता है जो ये फ्रेंचाइज यू नो ओवरऑल ऑप्शन के अंदर यहाँ पर टारगेट कर सकती है वो सकते हैं रचिन अभिनंदन का यहाँ पर टीम के अंदर आना बहुत ऑब्वियस होगा क्योंकि यहाँ पर संजू सैमसन एज एन ओपनर यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक नंबर 3 का जो स्पॉट है वहाँ पर रचिन अभिनंदन आराम से फिट हो सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करके देते हैं, बैटिंग से भी उनके रन अच्छे आते हैं, करंटली फॉर्म में भी चल रहे हैं, तो रचिन अभिनंदन को अपनी टीम के अंदर लेना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, आपको एक एडिशनल स्पिन बॉलिंग ऑप्शन भी यहाँ पर प्रोवाइड करके देगा एंड रचिन अभिनंदन तो विद द बैट भी IPL के अंदर बहुत इंप्रेसिव थे लास्ट ईयर। अगर हम बात करूँ तो इसे इनके जो टारगेट प्लेस हो सकते हैं वो हो सकते हैं डेविन कॉनवे।
डेविन कॉनवे क्वालिटी एंड वन ऑफ द फैंटास्टिक फॉरेन नाम होगा अपनी टीम के अंदर जोड़ना, क्योंकि जॉर्ज बटलर के पीछे यहाँ पर आरसीबी और पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी भी भाग सकती हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा बजट है। जॉर्ज बटलर के साथ ही साथ जो है डेविन कॉनवे बहुत अच्छा यू नो एक एडिशनल आपको यू नो ऑप्शन प्रोवाइड करके देंगे। एंड डेविन कॉनवे के साथ एक जो सबसे अच्छा एलिमेंट रहता है कि डेविन कॉनवे सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, जॉर्ज बटलर उतने ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है बैटिंग के अंदर, एंड डेविन कॉनवे नंबर तीन नंबर चार पर भी आके आपको अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं। डेविन कॉनवे को यहाँ पर टीम के अंदर लेना आपको एक एडिशनल विकेट कीपर ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करके देगा। तो अगर आपको यहाँ पर ध्रुव जुराल को टीम के अंदर नहीं भी डालना तो भी आपको एक एडिशनल ऊपर यू नो विकेट कीपर ऑप्शन मिल जाएगा, एंड संजू भी यू नो विकेट कीपिंग कर सकते हैं। डेविन कॉनवे के स्टार्ट कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को लगता है डेविन कॉनवे एक बहुत अच्छा नाम हो सकता है। नंबर चार जो नाम ये टारगेट कर सकते हैं इनकी ही ओवरऑल स्ट्रैटेजी को देखते हुए हो सकते हैं प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या का डेली प्रीमियर लीग के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, एंड जो उन्होंने छक्के लगाए जो उन्होंने यहाँ पर सेंचुरीज मारी है इज एन एब्सोल्युटली डिलाइट टू वॉच, एंड अंडर 19 प्लेयर है टीम यहाँ पर प्रेफर करती है यहाँ पर अंडर 19 प्लेयर्स के ऊपर जाना, तो मेरे को लगता है कि प्रियांश आर्या बहुत अच्छा नाम हो सकता है इस टीम के अंदर। नंबर पांच जो मेरे को यहाँ पर नाम लगते हैं इनकी टारगेट हिट लिस्ट के अंदर हो सकते हैं वो हो सकते हैं दीपक चहर। दीपक चहर ओवर द ईयर्स यहाँ पर इन तरीके से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, तो मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि शायद ये टीम प्रेफर कर सकती है दीपक चहर के ऊपर जाना, क्योंकि दीपक चहर इनको 4 से 5 करोड़ के अंदर बहुत आइडियली मिल सकता है अगर यहाँ पर सीएसके का मन नहीं होता दीपक चहर के साथ जाने के लिए। दीपक चहर इस टीम के ओवरऑल फ्रेंचाइज के ओनर्स को भी जानते हैं, दीपक चहर इस टीम के साथ पहले भी वर्क कर चुके हैं जब वो अपने अर्ली ईयर्स के अंदर होते थे। मेरे को यहाँ पर लगता है दीपक चहर का राजस्थान रॉयल्स के अंदर आना एक इनको एक एडिशनल पावर प्ले के अंदर फास्ट बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करके देगा, इट बी वेरी हेल्पफुल फॉर देयर फ्रेंचाइज एज वेल। नंबर छठा जो इनका टारगेट नाम हो सकता है वो मेरे को लगता है मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं, वो है सूर्य शर्मा। सूर्य शर्मा एक क्वालिटी 1 से 2 करोड़ का लेग स्पिन ऑप्शन है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी रही हैं। लास्ट ईयर केकेआर ने उतने उनके मौके नहीं दिए थे, बट डेफिनेटली यार केकेआर की जो टीम थी वो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्टैक्ड अप थी विद गुड नेम्स देयर एज वेल। तो मेरे को यहाँ पर लगता है सूर्य शर्मा एक बहुत अच्छा नाम हो सकते हैं, क्वालिटी नाम है 1 से 2 करोड़ के अंदर, बड़े अच्छे प्राइस में इनको ले सकते हैं। अगर मैं इनके साथ यहाँ पर यू नो टारगेट प्लेयर की बात करूँ तो वो मेरे बड़े फेवरेट है, वो है हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक नंबर 5 पर आपको अच्छी बैटिंग करते हुए एंड बहुत अच्छे से यू आपको सिचुएशन वाइज बेस्ट ऑफ द बेस्ट यू नो बैटिंग करके दे सकते हैं, अग्रेसिव भी खेलते हैं, साथ ही साथ उनका जो एक अप्रोच है ऑफ प्लेइंग फास्ट बॉलर्स वेरी अग्रेसिवली वो बहुत अच्छा है। स्पिन के खिलाफ तो वैसे स्ट्रगल करते हैं, बट हैरी ब्रुक को भी अपनी टीम के अंदर डालना एक बैड ऑप्शन ही होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑप्शन एज वेल। राशि वांडर डसन हो गए वो, और साथ ही साथ यहाँ पर डेविड मिलर हो गए, वो भी एक क्वाइट ओपन ऑप्शन है, क्योंकि अगर राजस्थान रॉयल्स 1 या 2 प्लेयर के ऊपर अगर बड़ा बजट खोलना चाहती है तो डेविड मिलर 10 या 12 करोड़ के अंदर आपको आराम से मिल सकते हैं, एंड 10 या 12 करोड़ के आइडियल बजट के अंदर आप अपनी पाल रॉयल्स की जो टीम के कैप्टन है डेविड मिलर उनको वापस लेकर आ सकते हो। इनके पास एक और जो सबसे बड़ा इशू था वो था इनकी फिनिशिंग, तो मेरे को लगता है कि फिनिशिंग भी इनको डेविड मिलर के साथ मिल जाएगी। यंग इंडियन पेसर्स की अगर बात करूँ तो मुकेश कुमार भी यहाँ पर आते हैं, मुकेश कुमार और यश ठाकुर इनके पीछे भी जा सकते हैं, यश ठाकुर के पीछे डेफिनेटली जा सकते हैं क्योंकि यश ठाकुर मिड ओवर्स के अंदर बॉलिंग करके देते हैं एंड आपको डेथ ओवर के अंदर भी यहाँ पर क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ऑप्शन प्रोवाइड करके देते हैं, एंड राहुल द्रविड एंड कुमार संगकारा की जो मैनेजमेंट है वहाँ पर यंग इंडियन पेसर्स के ऊपर जाना प्रेफर करती है, तो यश ठाकुर भी एक बुरे नाम नहीं होने वाले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड द बेल आइकन फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।